अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पाइना बॉटल की सनब्लॉक का ऑनेस्ट रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटर पैकेजिंग देखें तो आई रियली लाइक इट। बहुत ही अच्छे जो है वाइब्रेंट कलर्स हैं और बहुत कूल सी पैकेजिंग है इसकी, ठीक है, येलो और ऑरेंज बॉक्स। और यहाँ पर मेंशन है कि ये SPF 50 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, और ये है एडवांस प्रोटेक्शन सनब्लॉक और 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। इस साइड पर यहाँ पर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक है जो कि आपको UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सनब्लॉक है, ये आपके स्किन से टैनिंग को, सनबर्न वगैरह को प्रिवेंट करती है, पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करती है। और जो है ये ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है, ठीक है, नॉन ऑयली है, ब्रेकआउट्स कॉज नहीं करती। देन यहाँ पर इसके टेक्सचर के बारे में लिखा हुआ है कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट और वेटलेस है, जो कि आपको एक मैट फिनिश देता है। अगेन यहाँ पर मेंशन है कि ये एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड फार्मूला है, फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कमीडोजेनिक है, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। और इस साइड पर यहाँ पर इन्होंने सारे इसके जो है वो डिटेल्स वगैरह लिखी हुई कि किस तरीके से आप अपने आप को सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितनी क्वान्टिटी आपने इसकी यूज़ करनी है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 1/2 टीस्पून आपने यूज़ करना है, देन देयर इज़ एक्सपायरी। अब हम इसको जल्दी से ओपन करके अंदर से देख लेते हैं कैसी है। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊंगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो अंदर से अगेन एक येलो कलर की कूल सी ट्यूब निकलती है और इसके पीछे भी वही सब डिटेल्स मेंशन है जो इसके बॉक्स पर लिखी हुई थी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो ये सनब्लॉक जो है ना ये मेरी फेवरेट है समर्स में, क्योंकि ये एक तो ये मैट है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये लाइट वेट है, बिल्कुल आपके स्किन पर हैवी नहीं होती, इससे आपके स्किन पर स्वेटिंग भी नहीं होती, ऑयल भी नहीं आता और आपके स्किन को ना थोड़ा सा ब्राइटन अप करती है। वाइट कास्ट तो नहीं है इसकी, लेकिन ये आपके स्किन को ऐसे ब्राइटन अप करती है कि जो आपकी स्किन है वो बहुत ही फ्रेश लगती है, ठीक है। और ये बिल्कुल मैट है तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। और इसके अलावा जिनकी ऑयली स्किन नहीं है लेकिन जो है वो समर्स में उनके फेस पर बहुत स्वेटिंग होती है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट फार्मूला है। अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन है। तो ये अंदर से इस तरीके से वाइट कलर की क्रीम है, जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये थोड़ी वाइट सी होती है, लेकिन जब आप इसको कम्प्लीटली अपने स्किन में एब्जॉर्ब करा लेंगे तो कोई वाइट कास्ट नहीं रहेगी। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर मसाज करने के बाद। ये देखें यहाँ पर ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई है और इसका जो फार्मूला है वो बिल्कुल मैट है, कोई भी जो है वो ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस नहीं लग रही है और कोई एक्सेसिव स्वेटिंग भी नहीं होती इसको लगाने के बाद। और स्किन पे देखें बहुत अच्छा सा ग्लो आ गया है और स्किन जो है वो थोड़ी ब्राइट हो गई है, जिससे आपकी स्किन जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे फ्रेशन अप लगेगी। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि कोई वाइट कास्ट नहीं है लेकिन स्टिल स्किन थोड़ी सी ब्राइटन अप लग रही है, लेकिन स्किन लाइट ही लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने ऊपर से अलग से कुछ और अप्लाई करा हुआ है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है स्पेशली समर्स में, और जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।